नमस्कार, मुँ डॉक्टर शोभन कुमार रथ, पेन कंसल्टेंट, हेल्थ विलेज हॉस्पिटल। तेबे आज आम जानवा रिगार्डिंग नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। आर्थराइटिस बहुत प्रकार अच्छी, पर्टिकुलरली जोटा एज रिलेटेड डिजेनेरेटिव प्रोसेस, जोटा कि बयस हेले यूजुअली हुए, वार्धक्य जो डेवलप करता है, सेटा को आम कहूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस बा आंठू गंठी जनित बात, बयस जो जोटा स्टार्ट हुए। तेबे यूजुअली एज हेला पर ही एटा देखा जाए, बट आज जीवनशैली जमी लोक देखा जाऊँगी अर्ली थर्टिज और फोर्टिज रे भी ये प्रकार पेन उपजुची, जो थे कि नी डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली इज ए डिजेनेरेटिव प्रोसेस, जो थे कि आंठू भितर जो कार्टिलेज थाए ता भितर जो साइनोवियल फ्लूइड थाए सेगुड़ाकर अमाउंट कमी जाए और धीरे धीरे कार्टिलेज डिजेनरेशन हुए। सो हाड़ को हाड़ घसी हवा आरंभ करे। सो से भी जो पार्टिकल्स आसे से जमिकी रहे। सो से धीरे 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 इनफ्लामेशन हो कि पेन उपजी था, धीरे धीरे डिफॉर्मिटी भी स्टार्ट हुए। यटा को बेसिकली चारिटा स्टेज रे डिवाइड कराई। स्टेज वन जोटी संपूर्ण रूपे नॉर्मल टिश्यूज अच्छी एवं जस्ट माइल्ड इनफ्लामेशन स्टार्ट हो। स्टेज टू जो थे कि आपणकर किछिटा टिश्यू इंजुरी बढ़ी, इनफ्लामेशन अमाउंट भी बढ़ुची। स्टेज थ्री ऑलमोस्ट गैप बहुत कमी गलानी एवं कार्टिलेज टिश्यू ऑलमोस्ट नीलके बराबर आसीगलानी। एवं स्टेज फोर जोटी डिफॉर्मिटी बहुत अधिका अच्छी एवं कार्टिलेज टिश्यू ऑलमोस्ट नहीं कह गले। तबे डिफरेंट स्टेजेस हिसाब से तार ट्रीटमेंट भी वैरी करता है। तबे ये जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस रे लोक माने पेन क्लिनिक को आसंती, सेमानकु इनिशियली कहा जाए जे आपण मेडिसिंस नियंतु। किछिटा मेडिसिंस अछि जोडा कि आपण नॉर्मल लैंग्वेज रे कहि परंती एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिंस आउ पेन किलर्स दिया जाए, जो थे कि आंठु भितरर इन्फ्लेमेशन को कम करिया पई सेटा हेल्प करे। तो यही मेडिसिंस गुड़ाक ऑलमोस्ट लाइक स्टेज वन ने बहुत भल काम करे एवं विथ लिटिल फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज एवं मेडिसिंस रे आपण ऑलमोस्ट तार रिलीफ हो जाए। किंतु सबुठ बड़ फैक्टर जोटा आमर एथरे दरकार सेटा होची लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। केतेटा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन निहाती दरकार, केतेटा जिनस आपण करिबा कथा आउ केतेटा जिनस न करिबा कथा। जदि आपणकर वेट अधिका अछि ताहले पूरा टोटल वेट कम्स टू नी, आपण जे तळे बसिकी उठंती बा कोन जगह उठंती पूरा टोटल बॉडीर वेट आपण नी उपरको आसे। सो वेट रिडक्शन इज फर्स्ट थिंग। ता लागि आपणको केतरा जिनस करिया को पडिवो, हेल्दी डाइट नबाकु पडिवो, स्मोकिंग अल्कोहल एगुडा को प्रिवेंट करिया को पडिवो, हेल्दी डाइट जो थे कि व्हिच आर रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी पर्टिकुलरली सेगुडा आपण पई बेसी हेल्पफुल हबो। ता संगे रे आपणको योगा, एक्सरसाइज, स्विमिंग, प्राणायाम, कोपिंग एक्सरसाइज ए सब जिनस गुड़ाक करिया को पड़ो, जो थे कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइज ए सब गुड़ा करिया को पड़ो, जो थे कि आपणकर नीर स्टेटस टिके बेटर रहिबो। केतरा जिनस जोगुड़ाक कि करिबेनी, जमती कि आपणको तळे बसिबा मना, तळे चका पके कि बसिबा मना, स्क्वाटिंग मना। सो इंडियन टॉयलेट यूज करिया पई यूजुअली मना करा जाए। ट्राए टू यूज द इंग्लिश टॉयलेट और द कमोड टॉयलेट आपण यूज करिवे। जंपिंग, रनिंग और क्लाइमिंग ए स्टेयर, सीढ़ी चढ़ा, ये सब जिनस गुड़ाक यूजुअली मना करा जाए, कहीं से नी उपरे प्रेशर अधिका पड़े। जंपिंग बा दौड़ा रफ सरफेस रे दौड़ा ए जिनस गुड़ाक टे प्रिवेंट करे। बाइक राइडिंग रे भी ए जिनस बेले बेले बढ़े। सो ये जिनस गुड़ाक ट्राए करेंगे अपना अवॉइड करने एवं एक्सरसाइज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कले यूजुअली स्टेज वन आउ स्टेज टू पर्यंत आपंकर सब जिनस ठीक हो जापर। किंतु स्टेज टू रे जदि ए सब कलापर भी रिलीफ होनी ताहले आम किटा इंजेक्शन्स अच्छी जोड़ाक कि आम निपर, जमीक आप हाइलोरोनिक एसिड अच्छी, हाइली मॉडिफाइड हाइलोरोनिक एसिड जोड़ा आजिकल क्रॉस लिंक पॉलीमर आसुची लाइक मोनोवेस्क सप्लीमेंट्स से गुड़ाक इंजेक्ट देपर। जदि से कम कलानी ताहले प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अच्छी जोटा आपणकर पर्टिकुलर निज ब्लड रु तैयारी करके इंजेक्ट करा हुए सेटा भी इंजेक्ट करपर। एवं स्टेज थ्री एडवांस किंबा स्टेज फोर रे जदि पहुँची गलानी ताहले ए सब इंजेक्शन्स गुड़ाकर रोल बहुत कमी जाउछे। सेठी आमे रेडियो फ्रिक्वेन्सी एब्लेशन बा आंठू चारिपटे जो नर्व गुड़ाक थाए से नर्व गुड़ाक आमे एब्लेट करिपरिबा, जोथिरे कि आपण पेन जानिपरिबेनी। आउ व्वेन यू कम टू स्टेज फोर आइडियाली कौनसी मेडिसिन्स बा इंजेक्शन्स बेसी रेस्पॉन्ड करेनी। आइडियाली आमे एडवाइस करू नी रिप्लेसमेंट सर्जरी पई। जो माने नी रिप्लेसमेंट करई पारु नाहंती बिकॉज ऑफ एडवांस्ड एज किंबा बिकॉज ऑफ अदर पैरामीटर्स बहुत सारा डिजीज अच्छी से माने पेन क्लिनिक से मानको पई जस्ट लाइक ए बून बिकॉज दे गेट पेन फ्री विथ दी रेडियो फ्रिक्वेन्सी एब्लेशन, जो थे कि आमर से आंठू चारिपटे जो नर्व गुड़ाक आम पोड़ीदे यूजुअली पेन रिलीफ हो रहे एवं किछिटा मात्रा रे से माने तांकर नॉर्मल जीवनशैली मेंटेन करिपरिबे। तबे सबुठ बेस्ट पार्ट होची कौन,
एक तो कौन सी प्रकार एज्र लोकंर एटा कले कि साइड इफेक्ट ना यूजुअली पोस्ट प्रोसीजर पेशेंट सांगे सांगे घर को जापर एडमिशन दरकार पड़े साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट नील अल्प मात्रा रे आपणकर पेन प्रोसीजर पर बढ़ी पारे बेले बेले इन्फेक्शन हुए जदि आपणकर ठीक स्टेरिलिटी मेंटेन ही नथाय अदरवाइज दिस आर पर्टिकुलरली डे केयर प्रोसीजर जोटी आपण बिना एडमिशन ने बिना एनेस्थेसिया रे लोकल रे ही सब जिनस करै पारले। हाँ किछिटा मात्रा रे एथिरे जो विस्को सप्लीमेंट्स दिस आर बिट कॉस्टली जो थ्री की ऑलमोस्ट 10-20,000 खर्च हुए रेडियो फ्रिक्वेन्सी कले किछिटा खर्च बढ़े किंतु नॉर्मली जो माने इनिशियल स्टेजेस रे अछंती से मानकर ए सब जिनस दरकार पड़बनी जदि आपण प्रॉपर्ली आपणकर डाइट मेंटेन कले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कले एवं किछिटा फिजियोथेरापी एक्सरसाइज कले आउ प्रॉपर पेन क्लिनिक रो गाइडेंस रे मेडिसिंस नेले आजिकल बहुत सारा मेडिसिंस आसुची जोड़ा न्यूट्रिसिटिकल्स आसुची जोड़ा कि नी रो सप्लीमेंट और आपण कहि परंते जे नी भीतर रो कार्टिलेज तैयारी करिवारे फ्लूइड तैयारी करिवारे सेटा हेल्प करे तो से मेडिसिंस कुडा को आमे लॉन्ग टर्म रे नै परिवा काहेकि तार साइड इफेक्ट यूजुअली नाही तेणु जदि आपण नी पेन रु सफर करचोंती बिकॉज़ ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस डोंट टेक मेडिसिंस ऑफ योर ओन खाली दुकान ने पचारि कि पेन किलर्स नियंतु नहीं कारण एज बढ़िया सांगे रे तार साइड इफेक्ट्स आपणकर किडनी ऊपर बहुत अधिक पड़े सो पेन क्लिनिक रो गाइडेंस रे मेडिसिंस नियंतु जदि न होची इंजेक्शंस नियंतु एंड आपणकर नी रो प्रॉपर्ली केयर नियंतु।